हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी लैंग्वेज। टॉपिक इज पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। दो तरह के ब्लैंक्स होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉप डाउन। आज हम करने वाले हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसके अंदर सिर्फ रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं नए नए क्वेश्चन सॉल्व करके आपके आइडियाज़ को जनरेट किया जाए, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस के ऊपर टेक्निक जो हम आपको बताने वाले हैं वो यूज़ करिए और आपके अच्छे स्कोर्स आ सकें। बाकी रीडिंग सारी डिफ़िकल्टी होती है, जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो कई बार आपके उस हिसाब से स्कोर्स नहीं आ पाते। तो कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर आपको हर एक चीज बताई जा सके। तो सबसे पहली बात, आपने 2 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वी विल ट्राई, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो आप 2 मिनट्स के अंदर आराम से कर लोगे। फर्स्ट स्टेप है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये वाला ब्लैंक नहीं आया तो आप इसके ऊपर सोचने लग जाओ। कई बच्चे ऐसा करते हैं, पूरे ब्लैंक को पढ़ो, क्या पता आपको आगे वाले यानी कि ये वाले पहले मिल जाएं। जब आपको ये वाला और ये वाला मिल गया, थर्ड और फोर्थ ब्लैंक मिल गया, मतलब नीचे से जो ऑप्शंस हैं वो डिलीट हो जाएंगे। आपके चांसेस जो हैं पहले और दूसरे ब्लैंक में वो बढ़ जाएंगे। अब कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 चले गए, हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, राइट। तो हमारा पहला जो टास्क है फिल द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चाहे आपको वो ब्लैंक आता हो चाहे ना आता हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट मोमेंट, नाउ ऑल गुड। सो ऑफ द मोर देन 1000 बैट स्पीशीज, बैट ठीक है, वर्ल्ड वाइड 22 आर डैश टू नॉर्थ अमेरिका, ओके, एंड वाइल देर आर नो पॉलिनेटर्स बैट्स इन आवर एरिया। अब पॉलिनेटर्स क्या है, नहीं पता, हमारा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या कर दिया इसने, मुश्किल आ गया। अरे आगे तो पढ़ो, गार्डनर्स शुड डैश दोज दैट डू लिव हियर बिकॉज दे आर इंसेक्टिवोरस, दीज बैट्स डैश मोथ्स बीटल्स एंड मॉस्किटोस, कैन ईट अप टू 500 मॉस्किटो साइज्ड इंसेक्ट्स पर आवर। यहाँ पर ईटिंग की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, खाने का रिलेटेड वर्ड आ गया हमारे पास कंज्यूम। तो ये हमारा तीसरे पे आ गया, हमारे को मिल गया ना तीसरे वाला, पहले और दूसरे वाला अभी नहीं मिला, डोंट वरी, यहाँ पर मिल गया। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट गार्डन एंड क्रॉप फ्रॉम सच डैश एज ककुम्बर बीटल्स, कट वॉर्म्स एंड लीफ होपर्स। ये है क्या, ठीक है ना, ये है क्या, इसको क्या कहते हैं हम, सच एज, सच सच एज, सच का इस्तेमाल कब करते हैं, जब एग्जाम्पल देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके रिलेटेड है, ये सारे हमारी पेस्ट है। तीसरा चौथा मिल गया, अब पहला और दूसरा देखते हैं। मैं कहता हूं आपको नहीं पता लग रहा, 22 ये एनिमल तो है नहीं, बैट्स एनिमल तो होते ही नहीं है, ठीक है ना, विन भी नहीं आएगा। 22 आर विन टू नॉर्थ अमेरिका, ना चैंपियन, रिलेटिव, नेटिव, नेटिव, यस। 22 आर डाइजेस्ट टू नॉर्थ अमेरिका, है ही नहीं। नेटिव का है मतलब जो आपका पुश्तैनी हो, बेस हो, ठीक है ना, नेटिव, यहां पर वन आ गया। अब गार्डनर्स शुड डैश दोज दैट डू लिव हियर, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ महानत हासिल करने की बात हो रही है, अब डाइजेस्ट भी नहीं आएगा, एनिमल्स भी नहीं आएगा, रिलेटिव भी नहीं आएगा, बचा क्या हमारे पास, चैंपियन और विन, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने किया होगा विन, बट आंसर इसका है चैंपियन। विन क्या होता है, जीत जाना, चैंपियन वो पर्सन है जो जीतता है। गार्डनर शुड चैंपियन दोज दैट डू लिव देयर, लिव हियर। सो ये सिचुएशन बनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंस बायोलॉजिकल सिस्टम्स
with science of dash engineering are unlikely to have arisen from accidents or coincidence. Unlikely, likely, unlikely. Un आ गया मतलब नेगेटिव वर्ड आ गया. नॉन अननोन. यू एन यहां पर लग गया. अनफॉर्चुनेटली अन आ गया ना, वो नेगेटिविटी फैला रहा है. मतलब नेगेटिव किसी भी तरीके के साथ हो सकती है लेकिन नेगेटिविटी फैला रहा है. तो उसके रिलेटेड हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिविटी के रिलेटेड कंप्लेक्स. ठीक है ना, कंप्लेक्स. कंप्लेक्स का मतलब होता है जोरदार, कंप्लेक्स, बड़ा मुश्किल है ये वो. और कोई वर्ड बताओ मुझे जो आपको लगता है. अब आप कहोगे कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकता था. देखो ना, सिंस बायोलॉजिकल सिस्टम इज साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस इंजीनियरिंग नहीं, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग. कुछ कोला क्वेश्चन भी होती है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, कॉम्प्लिकेशंस इंजीनियरिंग नहीं. कॉम्प्लिकेशंस जो है वो भी उसका मतलब भी नेगेटिव है, मतलब चुनौतियां, परेशानियां, है ना. कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग आर अनलाइकली टू हैव, राइट, फ्रॉम द एक्सीडेंट्स और कोइंसिडेंस. ठीक है, देयर डैश मस्ट कम फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, देयर एंड हेंस शुड हैव डैश यूजफुल फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन द एनवायरमेंट इन विच ह्यूमंस इवॉल्व. यहां पर बात कर रहा है एक संस्था की. देयर हेल्प्स नहीं, देयर सर्वाइवल नहीं, देयर फंक्शन नहीं. फंक्शन आएगा यहां पर, पहले पे ये आ गया कॉम्प्लेक्स, दूसरे पे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कम फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, राइट. और हैंस शुड हैव, हैंस का मतलब क्या है, जब आप किसी का रिजल्ट देते हो, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी रिजल्ट अच्छा आएगा. वो डिमांड कर रहा है हैंस शुड हैव फंक्शंस यूजफुल फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये वाला छोड़ के आगे करते हैं. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे प्रपोजिशंस हैं, एट, ऑफ, टू, विच, इन, कहाँ पर लगाना है चेक करते हैं. एग्रेरियन पार्टीज आर पॉलिटिकल पार्टीज चीफली रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ पीजेंट्स और मोर ब्रॉडली द रूरल सेक्टर ऑफ सोसाइटी, द एक्सटेंट टू विच दे आर इम्पोर्टेंट और डैश. देखो, द एक्सटेंट टू विच दे आर इम्पोर्टेंट और, मतलब एक ऑप्शन दे दिया, डैश दे इवन एग्जिस्ट डिपेंड्स मेनली ऑन टू फैक्टर्स. एट ना, एट कब लगाते हैं, एट जब एग्जैक्ट हमारे को बताओ. आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, इन लगाया, इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कहां नहीं बताया. उसका दायरा बहुत बड़ा है, इन का इस्तेमाल मतलब जहां पर दायरा बहुत बड़ा है. इन 1980 कौन से ईयर में, 1980 में कौन से मंथ में कौन से डेट में नहीं बताया. एड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एग्जैक्ट हमें चीज पता हो. आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया. आई एम लिविंग एट मेलबर्न स्ट्रीट इन मेलबर्न, मेलबर्न स्ट्रीट एग्जैक्ट बता दिया, ठीक है ना. मैं इस एरिया में रहता हूं, और भी एग्जैक्ट कर सकते हो. आई एम लिविंग एट 4/19 मेलबर्न स्ट्रीट इन एडिलेड, ऐसा कह सकते हो. एट और इनका पता लग गया. ऑफ जब किसी का हिस्सा हो, जब किसी का हिस्सा हो ऑफ वहां पर लगाते हैं, फोर के लिए. एंड जब दो जानों की बात हो, दो जानों को दो, दस कोई रिजल्ट निकालने के लिए, विद साथ, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हो गया. अब वेदर, वेदर आएगा यहां पे क्योंकि ये ऑप्शन दे रहे हैं, पहले पे वेदर आएगा. Depends mainly on two factors. One obviously is the size of an identifiable peasantry or size of rural relative. Two, relative to, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है. कई बातें तो सुनने में exact अच्छा लगती हैं. Two आ गया ये. The other is a matter of social integration. Dash for agrarian parties to be. के लिए four. साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, साथ, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड के साथ में हमेशा विद आता है तकरीबन. फोर्थ ये आ गया. एंड डैश ए कंट्री माइट प्रोसेस इज साइजेबल रूरल पॉपुलेशन बट हैव एन इकोनॉमिक,
अब यहाँ पर रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जो पीछे किया है उसका क्या निकला है कंक्लूजन, वो आएगा हमारे पास 10। मैं एट ले आए चलू, एट ऑफ ना विच कभी शुरू नहीं होगा, इन अ ना गलत, दस दस कंट्री माइट पोसेस साइजेबल रूरल पॉपुलेशन। तो देखो पता क्या है, आप सिचुएशन को समझो, आपके जो रूल्स हैं बेसिक वो क्लियर होने चाहिए, कभी परेशानी नहीं आएगी। बच्चे ढूंढते रहते हैं, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लूं, मैं यहां से कर लूं, इस वेबसाइट से कर लूं, इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आए ना आए। रेदर देन दिस आप ये करो कि आप अपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, अपने कंसेप्ट से क्लियर कर लो, और जब कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके ऑब्वियसली बात है आपके चांसेस बढ़ेंगे। सो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कुछ टीचिंग स्टाइल मेरा अच्छा लगा होगा, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, आप हमारे से पेड कोचिंग ले सकते हैं। पेड कोचिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बच्चे को जज करते हैं पर्सनली भी, अगर बैच में लेना चाहते हैं तो भी। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या टाइम नहीं मिलता, आप हमारे को मैसेज करिए, कॉल करिए, अपना स्कोर कार्ड हमारे को सेंड करिए, अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताइए, चाहे आपकी इंग्लिश वीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कोचिंग देंगे। और जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट अच्छे स्कोर ले रहे हैं, आपके आप भी ले सकते हो, आप भी उनमें से हो। आप क्या सोचते हो कि सारे बच्चे हमारे पास होशियार आते हैं? हम बच्चे बच्चा अक्सर मुझसे पूछता है सर मेरी इंग्लिश वीक है, क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? अगर आप ये सोचो मुझे करना ही है तो होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, सोचो समझो, टाइम और पैसा वेस्ट ना करो, अपना और अपने घर वालों का, कोचिंग लेकर पेपर दो, चांस ज्यादा निकलेंगे। बाकी मेरी वीडियो के जरिए बहुत से स्टूडेंट्स के वैसे स्कोर आ गए हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा मेरी वीडियो में, समझ आ रहा है, तो मैसेज कर सकते हो और भी अच्छा समझाने के। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉर मोर वीडियोस। बाय।